the last point of the chapter, preservation and conservation of natural resources. जो हमारे कुदरती संसाधन जो है, कुदरती जो चीज़ें हैं उसकी हम हिफाजत और उसकी सलामती क्या और कैसे रखनी चाहिए वो हमें दिया गया है. वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. वाटर, पानी जो है वो हमारा एक कुदरती और बहुत ज़रूरी रिसोर्स है. नियरली 2% ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन. दुनिया में अर्थ पे जो भी पानी है उसमें से सिर्फ 2% पानी ही ऐसा है जो कि इंसान के पीने के लायक है. पॉल्यूटेड एंड पॉइजनस वाटर रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्री आर रैपिडली पॉल्यूटिंग द अंडरग्राउंड वाटर. जो ज़मीन के नीचे का जो पानी है उसे पॉल्यूशन और जहरीला जो पानी होता है जो कि इंडस्ट्री से निकलता है वो उस अच्छे वाले पानी को बिगाड़ देता है. दिस इज़ पोजिंग अ ट्रिमेंडस डेंजर फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स एज वेल एज द एनवायरनमेंट. और ये एनवायरनमेंट के लिए भी और पानी में रहने वाले जीव और हम इंसानों के लिए भी ये बहुत ही खतरनाक है. दस अल्टरनेटिव मीन्स टू रीयूज पॉल्यूटेड वाटर मस्ट बी डिस्कवर्ड. इसलिए गंदे पानी को प्योरीफाई करके उसको वापस इस्तेमाल में ले सके उसकी उस तरह के रास्ते जो है अपनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम मस्ट इंक्लूड फॉरेस्ट डेवलपमेंट रिलेटेड कंटेंट टू इनकल्केट अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स. विद्यार्थियों में फॉरेस्ट, जंगल, ग्रीनरी, पेड़, ये सब की जो है सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसका कंटेंट भी पढ़ाई में जो है दाखिल करना चाहिए अभ्यासक्रम में, जिससे कि लोगों में बचपन से ही और एक उम्र से ही दिमाग में ये सब डाला जाए, जिससे कि आगे जा कर पूरी ज़िंदगी वो इसमें नुकसान ना करे बल्कि और उसे अच्छा बनाए. सिमिलरली मेजर्स मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स एंड मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और इस तरह जो है जंगलों की सुरक्षा भी करनी चाहिए जिससे कि वहाँ के प्राणी और हमारा पर्यावरण दोनों बचे रहें. नेक्स्ट पॉइंट, मिनरल्स आर नेचर्स गिफ्ट्स टू मैन. मिनरल्स जो है, जैसा कि हम गोल्ड की बात करें, सोना जो है वो अगर गॉड ने हमें ज़मीन के अंदर रख के दिया ही नहीं होता तो हम कहाँ से लाते, ठीक है ना. हम डिज़ाइंस तो सारी बना लेते लेकिन गोल्ड हमें ज़मीन में से मिलता ही नहीं, तो ठीक है. सो ये जो सारे मिनरल्स है ये कुदरत ने हमें एक गिफ्ट दिया है. इट इज़ अवेलेबल इन लिमिटेड क्वान्टिटीज़ और ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में, ऐसा नहीं है कि निकाल लिया तो फिर दूसरी जगह वहाँ पर वापस पैदा हो जाएगा, नहीं. वो हज़ारों साल की जो है मेहनत है, ठीक है, हज़ारों साल वो उस जगह पर जमा रहा और फिर हमारे खोदने से वो मिला. फिर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर एक बार मिल गया तो दूसरी बार भी मिल जाएगा, तो वो क्या है, लिमिटेड है. सो मस्ट बी यूटिलाइज जुडिशियली. इसलिए उसे बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए. अल्टरनेटिव मीन्स टू कंजर्व एंड प्रिजर्व मिनरल्स मस्ट बी फाउंड. और उस मिनरल को अगर वो बहुत ज़्यादा कीमती है और एक बार में यूज़ करने से ख़त्म हो जाएगा तो उसी जगह पे कुछ और यूज़ करना चाहिए, ठीक है, या फिर उसका बहुत सही इस्तेमाल करना चाहिए. मोटिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू रीयूज मिनरल्स रिपीटेडली. और मिनरल्स को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए जो है मोटिवेशन देना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूस डिफॉरेस्टेशन हैज इंडेंजर्ड मेनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. कंटिन्यू जो है पेड़ काटना और जो है जंगलों को ख़त्म करते हैं उससे वाइल्ड एनिमल्स की ज़िंदगी पे बहुत खतरा पड़ा हुआ है. इनफैक्ट सर्टेन स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट इन सम फॉरेस्ट एरियाज. कुछ जो है एनिमल्स उनकी ज़िंदगी तो खतरे में आई गई है. बर्ड्स एंड एनिमल्स आर पोस्ट फॉर देयर स्किन, फीदर्स, बोन्स, हॉर्न्स, टीथ एंड इवन मीट. तो जानवर उनके गोश्त, दांत, उनके सींग, हड्डियाँ, उनके फीदर्स, उनकी स्किन, ये सब के लिए जो है मारे जाते हैं. इलीगल एंड मर्सीलेस किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स मस्ट बी कंट्रोल्ड. बेरहमी से और गैरकानूनी तरीके से जो जानवर को मारा जाता है उसको रोकना चाहिए. सिटीजन्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. लोगों में इसकी जागृति होनी चाहिए. करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फौना शुड बी प्रोवाइडेड टू पीपल. सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क शुड बी डेवलप. तो इस तरह के पार्क्स भी बनाए जाने चाहिए और लोगों में उसकी जागृति भी रखनी चाहिए. ये नहीं कि पार्क और सब तो बना लिया लेकिन लोग उसे ख़राब कर दें, तो ये नहीं चल सकता. पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ थ्रू नेचर एजुकेशन कैंप. और इस तरह से
नेचर एजुकेशन कैंप लगाकर कुछ कुछ वक्त के अंदर हम लोगों को नेचर का और फॉरेस्ट का और उसके प्रिजर्वेशन की कुछ जो है शिक्षा दे सकते हैं और इस तरह से हम जागरूकता फैला सकते हैं। सो हियर चैप्टर टू ओवर। आई होप यू लाइक ऑल द वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।